हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अजीम शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑसम मसल गोल्ड। आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया के पहले मिस्टर यूनिवर्स मनोहर ऐच के बारे में। आपने कभी ना कभी फिटनेस फील्ड में अगर आप हो तो कभी ना कभी आपने इनका नाम सुना होगा। इनका जन्म 1912 यानी कि 1912 में इनका जन्म हुआ था। 1952 में ये पहले इंडिया के मिस्टर यूनिवर्स बने थे, जो कि इनकी उम्र टोटल 104 साल इन्होंने जिया। अभी रिसेंटली 2016 5 जून को इनकी डेथ हो गई। इन्होंने 90 साल की उम्र में अपना खुद का जिम डाला, इन्होंने कोचिंग दी। 90 साल की उम्र में भी इनका जुनून ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं आज ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप किस लिए जिम को नहीं आते। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप किस लिए जिम को नहीं आते, कौन सी ऐसी वजह है जो आपको जिम को आने से रोकती है। बिकॉज ऑफ फिटनेस की वजह से ये 104 साल तक जिए। आप इनके फोटोज देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो हो गई मैन की बात, मैं एक वुमेन की बात करता हूँ। कुछ लोग मेरे भाई ऐसे भी हैं जो लोग सोचते हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कैसे जिम करूँ, मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ। यानी कि बहुत सारे बहाने हैं आपके पास जिम को नहीं आने के, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं आपको जिम को नहीं आने के। तो मैं आपको एक लेडी की मिसाल देता हूँ, फिलिप मार्जोरिस, जो कि इनकी 72 इनकी एज थी। आप इनके फोटोज देख सकते हैं यहाँ पे। 72 एज में इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इनकी एज 72 एज में इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की। आज इनकी एज देख सकते हैं आप, 86 इनकी आज एज है। तो यानी कि कोई एज लिमिट नहीं है, कोई वेट लिमिट नहीं है, यानी कि कभी भी आप जिम को आ सकते हैं। सिर्फ आपको आने के लिए एक मोटिव होना चाहिए, आपको एक स्ट्रांग रीज़न मिलना चाहिए। आप किस वजह से जिम को नहीं आते, तो क्या वजह है आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई 11 बजे 12 बजे कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिस में वर्क करता है, जिसको रात में 12 बजे उसको टाइम मिल रहा है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए रात में भी जिम चालू रखें। आप रात में भी आपको टाइम देंगे जिम करने के लिए। और मैं आज आपको आपके शहर के एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब, जो कि मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़ जुनेदी साहब के वालिद हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। 2008 में इनका रिटायरमेंट हुआ था, उसके बाद में 2011 में इनके साथ एक इंजरी हुई, उसके बाद इनके राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ, रॉड डालना पड़ा। उसके बाद 2015 से इन्होंने अपनी एक्सरसाइज शुरू की। मैं पहले आपको ले चलता हूँ उनके वीडियो पे, उनकी एक्सरसाइज पे, उसके बाद आपसे फिर मिलूँगा।
ये थे हमारे मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब। इस उम्र में भी इतना जोश, इतना पैशन रखते हैं ये फिटनेस को लेके। अभी मैं आपको डायरेक्ट उनसे मिलाता हूँ, आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारे मोहम्मद अजीज साहब जो कि अभी आपके सामने वर्कआउट कर कर आए हैं। अजीज साहब, आपका रिटायरमेंट कब हुआ? मेरा रिटायरमेंट 2008 अप्रैल में हो गया। 2008 अप्रैल में रिटायरमेंट हो गया है अजीज साहब का। ये आपका एक्सीडेंट कब हुआ? एक्सीडेंट 2011 अक्टूबर में हुआ। बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट आपका? एक्सीडेंट इधर ये कोनी पे होगा। जी इधर। अभी एक्सरसाइज करने के टाइम पे पेन नहीं होता आपको? दर्द नहीं होता? नहीं, पेन नहीं होता और गेम में कुछ नहीं होता। जैसे कि अजीज साहब बता रहे हैं 2011 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर एक्सीडेंट होने के बाद आपने एक्सरसाइज कब से शुरू की? मैं एक्सीडेंट होने से 3 साल के बाद 2015 में एक्सरसाइज चालू किया। 2015 में आपने एक्सरसाइज शुरू की, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं आपको गुलबर्गा के अंदर, आपके शहर के अंदर अजीज साहब आपको एक्सरसाइज करके बता रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप जिम को किस लिए नहीं जाते और जिम को जाते हैं तो क्यों जाते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करो और शेयर करो और कमेंट्स करना ना भूलें। आपके इस चैनल को असम मसल गोल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अजीम शेख, अलविदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से फिर जल्द मिलूंगा। बाय बाय।